So, dear students, beginning of the day, and now we are finishing our unit 9. In my previous 2 lectures, I have given information regarding drug source, method of drug identification, information on WHO guideline for the standardization of the herbal preparation, GMP, good manufacturing practices, and the good laboratories practices, as well as the quality control and the standardization aspects. Some basic information. Now I am finishing my this chapter by including the last portion of the this unit, that is the standard for the classical dosage forms of Ayurvedic drugs. इंडियन फार्माकोपिया के अंदर जो क्लासिकल आयुर्वेदिक ड्रग्स की डिफरेंट्स जो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर क्लासिकल आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं उनके लिए सेफ्टी प्रोफाइल के लिए उनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मेंशन किए हुए हैं और ये प्रोटोकॉल्स CCRAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं जो कि आई थिंक दैट 2018 के अंदर ये सब प्रोटोकॉल CCRAS द्वारा आयुष मिनिस्ट्री द्वारा पब्लिश किए गए। तो इसके अंदर बहुत से जो नेम हैं उन सब से आप भली भांति परिचित हैं जैसे भस्म, अलवी, रसायना, अर्पटे, मर्क्यूरियल कंपाउंड्स, अर्क, आसव, अरिष्ठा, चूर्णा, कसावा, लवना और प्रिपरेशन ऑफ द आयरन प्रोमिनेंस इवन द पिल्स एंड टैबलेट, क्वात, तैला, घृता, गुगलू बेस फॉर्मुलेशन, अवलेहा, सस्पेंशन, इमल्शन, कैप्सूल एंड द ऑइंटमेंट, दीज आर द मॉडर्न फॉर्म। सो CCRAS इन देयर वेबसाइट इन देयर प्रोटोकॉल्स दे हैव मेंशंस द which type of standard things that we need to include while we are going to prepare the classical Ayurvedic medicine. तो इसके अंदर उन्होंने अलग अलग test parameter हर एक तरह की औषधियों के लिए चाहे वो भस्म है चाहे वो क्वाथ है चाहे वो mineral formulation है तो उसके लिए CCRAS ने एक अलग पूरा एक सेपरेट प्रोटोकॉल्स दिया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं कि आपको इन सब पैरामीटर को टेस्ट जरूर करना है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ताकि हम जो क्वालिटी है जो ड्रग का स्टैंडर्ड है उसको एक प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। तो ये करीबन 18 से 20 है मिनिमम। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम एक एक करके उसको देखना प्रारंभ करेंगे। अगर हम रॉ मटेरियल प्लांट्स की बात करें जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं चाहे सिंगल हर्ब प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो इसमें ये पैरामीटर्स ये डाटा बहुत आवश्यक है जिसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये डाटा ये इंफॉर्मेशन जो है ये जो पैरामीटर्स हैं ये पैरामीटर मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक समराइज फॉर्म में पिछले लेक्चर में मैंने आपको इन पैरामीटर्स के बारे में बताया है। अब अलग अलग प्रकार की औषधियों के लिए और रॉ मटेरियल के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के लिए किस किस कौन कौन से पैरामीटर को उपयुक्त किया जाना चाहिए उसके बारे में ये एक टेबल फॉर्म के अंदर बताया गया। जैसे कि हम रॉ मटेरियल प्लांट्स की बात करें तो दे आस्क तो वो कह रहे हैं कि तो आपके पास उसका पासपोर्ट डाटा अवेलेबल होना चाहिए, प्लांट का कौन सा पार्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसका बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन आपको आना चाहिए, आपको एडल्ट्रेशन लिटरेचर के अंदर जो रिपोर्टेड अगर है तो उसके बारे में बताना चाहिए, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन लिटरेचर में रिपोर्टेड है तो उसके बारे में बताना चाहिए। नंबर 2 में फॉरेन पार्ट्स जो पार्ट आप यूज़ करना चाह रहे उसके अतिरिक्त या फिर कोई एनिमल उसके अंदर कंटेमिनेशन एनिमल बीट या कुछ अलग तरह का कंटेमिनेशन जो फॉरन जो उससे अलग है फॉरन मैटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको उसका कलर क्या है, ऑर्डर, टेस्ट और स्ट्रक्चर जो कि ऑर्गेनोलिप्टिक कैरेक्टर में आता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आउटर माइक्रोस्कोपी और मैक्रोस्कोपी एज वेल एज द माइक्रोस्कोपी करेक्टर जो हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। 100 डिग्री 5 के ऊपर
हीट करने पर उसमें कितना कंपोनेंट लॉस होता है, जिसको एक मॉइस्चर कंटेंट्स के रूप में बताया जाता है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। 10% एक्वियस एक्सट्रैक्ट की पीएच वैल्यू क्या है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। टोटल ऐश, एसिड इनसोल्यूबल ऐश के बारे में आपको देना पड़ेगा। वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट एज वेल एज द एल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट की क्वांटिटी आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर वोलाटाइल आयल बेयरिंग प्लांट्स हैं तो उसके अंदर वोलाटाइल आयल जो है वो कितनी परसेंटेज में, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर हम एनालिटिकल टेक्निक्स की बात करें तो TLC, HPTLC, GLC, HPLC वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसको देना पड़ेगा। कि अगर हम रेफरेंस चेक करना चाह रहे हैं, आप हम रेफरेंस के थ्रू उसको एक कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि ये प्लांट वही है, ये स्पेसिस वही है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट, तब आपको TLC या फिर इनमें से किसी एक एनालिटिकल टेक्निक का प्रयुक्त कर वो डाटा यहाँ पर देना होगा। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का ऐसे बेस डाटा आपको देना पड़ेगा कि उसमें कितने परसेंटेज एल्कोलॉइड है, कितना टैनिन है, कितना रेनिन है, तो उसके बारे में प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं, उस प्रोटोकॉल्स के को अपनाकर मींस उन मतलब प्रोसीजर को अपनाकर आपको उसके बारे में डाटा देना पड़ेगा। आपको हैवी और टॉक्सी मेटल टेस्ट करके उसका जो कितनी परसेंटेज है, उसकी जो कितनी लिमिट है, जो उसकी परसेंटेज है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और उसको कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि जो ASU आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी फार्माकोपिया के अंदर जिस लिमिट को मेंशन किया गया, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, वो उसके साथ मैच करके आपको कंपेयर करके यहाँ पर उसकी वैल्यू आपको साथ में देनी पड़ेगी। जितने भी पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू हैं, जैसे ऑर्गेनोक्लोराइड, क्लोरीन पेस्टिसाइड, ऑर्गेनोफास्फोरस और पाइरीथ्रोइड, तो उसकी भी रेजिड्यू की लिमिट वैल्यू ASU फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कंपेयर करके उसके साथ में आपको देने की आवश्यकता है। जब कोई सा भी आप रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, आप ड्रग प्रोडक्शन के लिए यूज करना चाहते हैं, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का चेक आपको देना पड़ेगा, जिसमें तीन है कि टोटल फंगल काउंट, एंटीरोबैक्टीरियोसी, टोटल वायबल एरोबिक काउंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्पेसिफिक जो पैथोजन है उसके बारे में टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके लिमिट के अकॉर्डिंग, जैसे इकोलाई, एश्केरिया कोलाई, साल्मोनीला, स्टेफाइलोकोकस, सुडोमोनास अरागिनोसा। 18 नंबर पे आप देखेंगे कि एफ्लाटॉक्सिन, जिसके अंदर 4 B1, B2, G1, G2 आदि है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और लास्ट में उसकी शेल लाइफ कितनी है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये लगभग करके 19 पैरामीटर हैं जो आपको, जो रॉ मटेरियल, जो रॉ प्लांट आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर हम प्लांट एक्सट्रैक्ट की बात करें, जिसको आसप भी बोलते हैं, तो आप इसके अंदर देखेंगे प्रीवियस केस के अंदर जब हम केवल प्लांट को यूज कर रहे थे रॉ मटेरियल के रूप में, तब लगभग करके वैल्यू 19 थी। अब जब हम प्लांट एक्सट्रैक्ट आसप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जा रही है लगभग करके 22। तो इसमें अलग क्या है, तो आप इसमें देखेंगे दो पोर्शन इसमें खास तौर से ऐड हो गए। डिस्क्रिप्शन सेम है, कलर सेम है, ऑर्डर सेम है, टेस्ट सेम है, लॉस ऑन ड्राइंग पैरामीटर सेम है, टोटल ऐश, एसिड सोल्यूबल ऐश पैरामीटर सेम है, वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव पैरामीटर सेम है, अल्कोहल सेम है, पीएच सेम है, बट बल्क डेंसिटी एंड द टैप डेंसिटी, ये पैरामीटर इसके अंदर एडिशनली ऐड किया हुआ है। वोलेटाइल ऑयल का सेम है, रेजिडियल सॉल्वेंट, दिस इज द वन अनदर पैरामीटर दैट वी नीड टू चेक। अब ये रेजिडियल सॉल्वेंट क्या है, आपने अपने प्लांट का एक्सट्रैक्ट किसी सॉल्वेंट के साथ निकाला, सपोज कीजिए आपने इथेनॉल यूज किया, आपने मिथेनॉल यूज किया, खैर मिथेनॉल इसमें यूज नहीं किया जाता है, इथाइल एसिटेट, डाइक्लोरो मिथेन, DCM, डाइक्लोरो मिथेन, जिस क्लोरोफॉर्म में कोई सा भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो आपने यूज किया एज पर विद द प्रोटोकॉल्स टू गेट एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पेसिफिक प्लांट, उस केस के अंदर एक लिमिट तय होती है कि इतने PPM से ज्यादा वो सॉल्वेंट भी आपके एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो जितने भी सॉल्वेंट है उसकी एक PPM लिमिट, पार्ट्स पर मिलियन, PPM पार्ट्स पर मिलियन लिमिट तय की हुई है, और
मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख के अंदर एक पार्ट, तो उसके आधार पर हम, बट ये हाथ से नहीं किया जा सकता है। द जीसी इज द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट क्रोमेटोग्राफी, जिस जो इस रेजिडुअल सॉल्वेंट को चेक करता है और फिर उसके डाटा को चेक किया जाता है कि क्या जो लिमिट मेंशन की हुई है इससे कम है या ज़्यादा है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। केमिकल टेस्ट फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पहले मेंशन किया हुआ है, 16 नंबर भी सेम है, जिसमें एनालिटिकल मेथड विद मार्कर यूज किया जा सकता है, हैवी मेटल टेस्टिंग, पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, स्पेसिफिक पैथोजन, एफ्लाटॉक्सिन और शेल लाइफ। तो इसके अंदर बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी एज वेल एज द रेजिडुअल सॉल्वेंट, हम इसको यूज कर इसकी वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर इन तीन वैल्यू, बल्क डेंसिटी, टैप और वोलेटाइल बल्क कंटेंट्स, ये तीन वैल्यू एडिशनली रूप में हम एज ए पैरामीटर लेंगे। तीसरा है अर्क, आगे देखेंगे तो अर्क के अंदर लगभग करके 18 पैरामीटर है जो हमें फाइंड आउट करने हैं। और इसके अंदर क्या अलग है, हाँ इसके अंदर अर्क के अंदर हमें जो अलग सी चीज चेक करने की है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विद द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अर्क, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द अर्क और व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ द अर्क। ये पांच फैक्टर थोड़े अलग हैं, कुछ पोर्शन जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर था, जो प्रीवियस पैरामीटर थे एक्सट्रैक्ट में, उससे अलग हैं। ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर है, बाकी एडिशनली ये टोटल, हाँ टोटल एसिडिटी, कि टोटल एसिडिटी कितनी है उसके बारे में जानकारी आपको देनी पड़ेगी, बट दैट वॉज द पार्ट ऑफ द, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेम द पीएच परसेंटेज, जो पीएच को चेक करना था वो इसी के अंदर ही आ जाता है। हैवी मेटल, पेस्टिसाइड रेजिड्यू, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, स्पेसिफिक पैथोजन एज वेल एज एफ्लाटॉक्सिन और शेल लाइफ, ये सब लगभग करके सेम है। कुछ इसके अंदर से जो अर्का के अंदर, जो पहले एक्सट्रैक्ट के अंदर कुछ पैरामीटर दिए गए थे वो कुछ इसमें से हटा दिए गए और कुछ नए इसमें ऐड किए गए। अब हम अवचूर्ण आयुर्वेदिक डस्टिंग पाउडर की बात करें योगा की, तो इसके अंदर भी लगभग करके हम देखेंगे तो एक पैरामीटर, आई थिंक दैट माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर को चेक किए जाने का एक पैरामीटर दिया गया है 5%। पहले के अंदर अगर ध्यान करेंगे तो 10% एक्वस एक्सट्रैक्ट था, पहले वाला जो सबसे पहले वाला हमने स्टार्ट किया था प्लांट हर्ब्स का। अब नाउ दे आर आस्किंग फॉर द पीएच ऑफ द 5% एक्वस एक्सट्रैक्ट। 5% एक्वस एक्सट्रैक्ट का पीएच इतना होगा, लो सोन ड्राइंग, टैप डेंसिटी और फ्लो डेंसिटी और इनके बारे में इंफॉर्मेशन, टेस्ट फॉर द हैवी टॉक्सिक मेटल, टेस्ट फॉर मेटल ऑब्लिक नॉन मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, शेल लाइफ, बाकी जो सारे हैं इसके अंदर लगभग करके सेम है। टैप डेंसिटी, फ्लो डेंसिटी, पीएच मींस 5% एक्वस एक्सट्रैक्ट में जो इसकी पीएच वैल्यू आएगी उसको जानकारी देना, ये इसके अंदर एक एडिशनल दिया गया और कुछ पार्ट्स जो प्रीवियस थे हटाए गए। तो मींस अलग अलग आयुर्वेदिक और सिद्ध और यूनानी प्रोडक्ट का जो टेस्ट पैरामीटर है हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रिक्टली मेंशन किए हुए हैं कि ये सब टेस्ट पैरामीटर जो हैं जब भी आप इस तरह की ड्रग बनाए तो वो सब आपको देने ही पड़ेंगे चेक करके इसकी वैल्यू। अब हम बात करते हैं अवलेहा, जिसको लहम, मोदक और इलगम या कन्फेक्शनरी और सेमी सॉलिड बोला जाता है। तो इसके अंदर 25 पैरामीटर हैं लगभग करके, ज्यादातर सेम है जिसे आप देख ही रहे हैं, बट एक कंसिस्टेंसी कितनी है, मतलब आप जो सेमी सॉलिड है वो रखा हुआ, ऐसा तो नहीं कि कुछ समय बाद वो सेमी सॉलिड से पूरा ही सॉलिड बन रहा है या फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज द कंसिस्टेंसी, दैट इज द, इफ यू लुक ऑन द सीरियल नंबर 5 और उसके अंदर ये कंसिस्टेंसी पैरामीटर दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम अलग पैरामीटर की बात करें, डिस्क्रिप्शन, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, लोस्टोन ड्राइंग, टोटल एश, एसिड इन सोल्यूबल, एल्कोहल सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, पी एच, टोटल एसिडिटी,
pH at that 10% aqueous extract or total acidity के total acidity से different concept के acidic nature total कितनी है, ये एक अलग test के through identify किया जाता है. Specific gravity at 25 degree centigrade. Next is the total solid content as well as the fat contents along with reducing sugar and non reducing sugar. If you look on the अगर हम 14, 15, 16 और 17 देखें तो ये बिल्कुल अलग पैरामीटर है जो कि हम सेमी सॉलिड या कन्फेक्शनरी टाइप ऑफ अवलेहा के अंदर इन पैरामीटर को चेक करेंगे. बाकी जैसे कि टीएलसी डिटरमिनेशन, टेस्ट फॉर हैवी मेटल, पेस्टिसाइड, माइक्रोबियल, टेस्ट फॉर स्पेसिफिक पोजीशन, एफ्लाटॉक्सिन, शैलेट, ये सब इसमें सेम है. जबकि कंसिस्टेंसी नंबर 5, नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये थोड़े पैरामीटर्स इन्होंने एडिशनली कन्फेक्शनरी या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में ऐड किए. इसमें भी आ गया. ओके, नाउ वी लुक फॉर द चूर्णा, फाइन पाउडर, क्वाक चूर्णा, पनीर चूर्णा, कोर्स पाउडर फॉर द डिकॉक्शन. तो यहां पर 21 पैरामीटर दिए हुए हैं. पांचवा पैरामीटर इसके अंदर है पाउडर माइक्रोस्कोपी. जो पाउडर बना है माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि किस तरह की पाउडर शेप बनी है. पार्टिकल साइज, चूर्णा का चेक करना पड़ेगा या क्या वो 80 से 100 मैश में है या फिर 40 to 60 मैश. दो पैरामीटर दिए गए हैं, 40 to 60 मैश फॉर द क्वास चूर्ण के लिए और 80 to 60 फॉर द ओनली चूर्णा के लिए. ठीक है, कुर्मा या कुर्ना चूर्णा के लिए. ओके, सो पीएच इसके अंदर 5% एक्स एक्सट्रैक्ट की पीएच 10 नंबर जो सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग. देन 13 नंबर पे बल्क डेंसिटी एंड द टैप डेंसिटी, यू नीड टू शो दैट पैरामीटर आल्सो. अब 14 नंबर पे SF4 द स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड, अगर पॉसिबल है तो दे. 15 नंबर सेम है प्रीवियस की तरह, 16 17 18 19 20 21, बाकी ये सब लगभग करके सेम है जो प्रीवियसली अदर्स जो पैरामीटर हैं टेस्ट पैरामीटर बताए गए हैं वो उससे सारे लोग करके मिलते जाते. मुझे ऐसा लगता है जैसे टेस्ट फॉर हैवी मेटल, टीएलसी, पेस्टिसाइड, माइक्रोबियल, टेस्ट फॉर स्पेसिफिक पैथोजन, एफ्लोटॉक्सिन, शेल लाइन, ये लगभग करके सबके अंदर कॉमन है. डिस्क्रिप्शन हो गया, कलर ऑर्डर, फॉरन मैटर हो गया, बाकी कुछ अलग अलग पैरामीटर हैं जो कुछ दूसरे से डिस्टिंक्शन कुछ अलग नेचर शो करते हैं. अगर हम बात करें लेप की, जैसे कि हम उसको कहते हैं मेडिकेटेड वैक्स, क्रीम या पॉलिटाइज, तो इसके अंदर इन्होंने 22 पैरामीटर दिए हैं और 22 पैरामीटर के अंदर देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन सेम है, कलर सेम है, ऑर्डर सेम है, बट विस्कोसिटी, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल तब इसकी विस्कोसिटी चेक करनी पड़ेगी, इसका रेसिस्टेंस. ऐसा ना हो कि हम एकदम लगाए और एकदम बह निकले जिस हम क्रीम को या लगाएं, तो उसकी विस्कोसिटी इज ए स्पेसिफिक पैरामीटर जिसमें आप देखते हैं वो कितनी देर लगाता है, मतलब एक जगह से दूसरे विस्कोसिटी रेसिस्टेंट टुवर्ड्स द मोशन. तो उसके लिए आपको जो उसकी नेचर है कि उसको एक बार विस्कोसिटी लेवल चेक करना पड़ेगा. एक तो विस्कोसिटी लेवल मेंशन किया हुआ, इतने अगर इतनी है तो इसका लेवल ये, इतना है तो लेवल ये, तो वो हम नेट पे भी चेक करके देख सकते हैं. रेंसिडिटी टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट इसके लिए दिया गया है और डेंसिटी टेस्ट के बाद आता है माइक्रोस्कोपिक. अगर पाउडर ड्रग इसमें डाली गई है, पार्टिकल साइज अगर पाउडर इसमें डाला गया है, अदरवाइज नहीं. टोटल एसिडिटी चेक करनी है, एसए चेक करना है अगर पॉसिबिलिटी है. यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंटेंट्स, ऐसा नहीं कि जो आप कंटेंट्स क्रीम बनाने में, वैक्स बनाने में यूज कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कभी किसी का साइज बड़ा है, किसी का पार्टिकल साइज छोटा, तो एक यूनिफॉर्मिटी, एक समानता होनी चाहिए उसके बारे में. जो है वैक्स है उसको उसका पीएच पता करना चाहिए. थर्मल स्टेबिलिटी कितनी है, मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर तक के वो क्रीम या वैक्स अपनी फॉर्म जो बनी हुई है उसमें रह सकता है. ऐसा ना हो कि आपने
पता चला इस समय टेम्परेचर बढ़ा हुआ है 40 से 45 डिग्री पर भी गर्मियों में तापमान पहुंच जाता है हमारे गर्मी हमारे एरियाज का, तो वहाँ पर पता चला कि वो जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टेबल तक के रह जाता है, तो उसको भी चेकिंग करना, उसकी भी चेकिंग करना बहुत आवश्यक है। तो उसके बाद टोटल फैट कंटेंट उसके अंदर कितना होना चाहिए, स्प्रेडेबिलिटी इज द अनदर, कि कितना स्प्रेड कर सकता है, मतलब कितना फैलाव शो कर सकता है, दिस इज द वन अनदर पैरामीटर जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेडिकेटेड वैक्सीन या फिर क्रीम के लिए। अब उसके भी बाद जो हमारे पास टेस्ट फॉर हैवी मेटल, पेस्टिसाइड, माइक्रोबियल, टेस्ट फॉर स्पेसिफिक पैथोजन, एफ्राटॉक्सिन, शेल्फ, ये सब सेम है जो प्रीवियसली हमें इनकॉर्पोरेटेड किए गए। नेत्रबिंदु मीन्स आई ड्रॉप्स के लिए हमें किस किस चीज़ों की पैरामीटर की आवश्यकता है, डिस्क्रिप्शन, कलर, ऑर्डर, पीएच ऑफ दैट आई ड्रॉप्स, नॉट ऑफ द 10% परसेंटेज, जो भी है आपकी आई ड्रॉप्स है, जो भी कंपोजिशन बना हुआ है उसकी पीएच कितनी है। फिफ्थ इज द क्लैरिटी टेस्ट, मीन्स ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, वो जो आप बना रहे हैं, जो आई ड्रॉप्स बना रहे हैं, दैट शुड बी क्लियर, उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे और वो कुछ ज़्यादा अमाउंट में हुए तो वो क्या करेंगे, आंखों के कॉर्निया को घायल करना चालू कर देंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिफ्थ इज द क्लैरिटी टेस्ट। सिक्स नंबर एस एफ फॉर द एक्टिव इंग्रेडिएंट जिससे वो बनाया जाए, अगर उपलब्धता है तो उसका टीएलसी, एचपीटीएलसी एनालिटिकल पैरामीटर टेस्टिंग। टेस्ट फॉर द हैवी मेटल, पेस्टिसाइड रेजिड्यू, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, टेस्ट फॉर द स्पेसिफिक पैथोजन, एफ्लाटॉक्सिन और शेले, बाकी सब सेम है। जो दो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, एक तो ये तो क्लैरिटी टेस्ट, एक पीएच जो इसके अकॉर्डिंग चेक किया जाना चाहिए इस इफ यू आर प्रिपेयरिंग द आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट इज द प्रोसेस्ड फाइन पाउडर जिसको हम पिष्टी भी बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। भस्म का बहुत बड़ा योगदान है, आयुर्वेदा ने भस्म को वरदान के रूप में दिया गया। बहुत सारी भस्में ऐसी है जिसका जो बहुत जिसको कहा जाता है गोल्ड है, जो कि आर्थराइटिस और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर भस्म के लिए भी इन्होंने पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे भस्म का टेस्ट कैसा हो सकता है इसकी। अब देखिए भस्म के अंदर जो पीएच पैरामीटर है, अब अगर हम 5 नंबर देखें तो देखिए दिस ये जो है दैट इज द 1% एक्वस एक्सट्रैक्ट, कि 1% एक्वस एक्सट्रैक्ट का पीएच कितना होगा ये चेक करना। हमने अब तक देखा, एक देखा कि 10% और एक 5%, तो भस्म के साथ इन्होंने 1% दिया। क्यों? क्योंकि पता है कि ज़्यादा में तो घुल ही नहीं सकती, जो थोड़ा बहुत पार्ट है उसके बेस पे हम कंफर्म कर सकते हैं। पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए, 7 नंबर, 8 टोटल ऐश कितनी है, 10th के अंदर सल्फेटेड ऐश कितनी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्होंने ऐड किया। एस एफ फॉर द एलिमेंट अगर अवेलेबल है, अब इसके बाद इन्होंने 14 उसके अंदर दिया है, इन्होंने एनालिटिकल टेस्ट नहीं दिया, इन्होंने क्या दिया, XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन, सैम, EDX, AFM पैरामीटर, ये किस लिए, ताकि ये जांचने के लिए जो भस्म है उसकी जो शेप है, पार्टिकल शेप है, वो इस तरह के XRD के थ्रू पता लगेगा, एमॉर्फस है क्या है, तो वो एक सारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लस्टरनेस नेचर 15 नंबर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। रेखा पूर्णत्व मीन्स अगर आप वो इतनी फाइन होनी चाहिए कि आपकी जो उंगलियां हैं उसके अंदर जो लाइनिंग है उसके अंदर एंटर हो जानी चाहिए, क्वालिटी पैरामीटर दिया गया आयुर्वेद के अंदर, तो उसको चेक करना। वो पानी के ऊपर तैर पाती है नहीं हो पाती है, वैरितारा मीन्स पानी के ऊपर तैर पाती, उसके बारे में। स्मोकलेस होनी चाहिए, ठीक है, टेस्टलेस होनी चाहिए, इरिवर्सिबल होनी चाहिए, और उसके बाद शेल लाइफ। तो इसके अंदर कई सारे पैरामीटर आ जाते हैं, जैसे 5 नंबर दिया आपका, उसके बाद आपका 14 नंबर, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये 7-8 पैरामीटर इन्होंने अलग अलग दिए जिसको अदर पैरामीटर से अलग है। इसके अंदर यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि कोई सभी पेस्टिसाइड और फॉरेन पार्टिकल्स वाला पैरामीटर शायद हो सकता है, बट बाकी अलग पेस्टिसाइडल और माइक्रोबायोलॉजिकल ये स्पेसिफिक फंगस उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन मेटल्स के ऊपर ये जो अदर्स एक्टिविटी ये हो ही नहीं सकती, मीन्स जो जैसे खास तौर से माइक्रोबियल कंटेमिनेशन या माइक्रोबियल का इनके ऊपर ग्रो, ये इनके ऊपर पॉसिबल ही नहीं है।
और शायद अगर आप ध्यान करें तो अपने यहाँ कॉपर भस्म यूज़ की जाती है, और जिस समय मैं लेक्चर ले रहा हूँ इस समय हमारी पूरे विश्व के अंदर कोविड-19 महामारी विश्व में फैली हुई है। तो अभी प्रीवियस एक रिसर्च हुई थी तो उसके अंदर भी ये बताया गया था कि मेटल के ऊपर, अगर किसी मेटल के ऊपर ये सबसे कम जो कोविड-19 वायरस है जिंदा रहता है, तो वो कॉपर है। कॉपर के ऊपर ये 4 घंटे से ऊपर नहीं रह सकता जी, वैसे तो डेड ही है बट इससे ज़्यादा वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता, उसके ऊपर अपना खत्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस फाइन पाउडर जिसको भस्म कहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। उसके बाद आया हमारे पास ग्रेन्यूल्स जिसको हम कहते हैं सिरुगुगल ग्रेन्यूल्स। तो इसके अंदर भी 24 पैरामीटर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन, कलर, टेस्ट, ऑर्डर, माइक्रोस्कोपिक, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी के कितना कंप्रेस हो सकता है, दिस इज अनदर फ्लो प्रॉपर्टी, वो कित उसके फ्लो का रेट क्या हो सकता है, मतलब अगर हम उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह छोड़ें, मतलब उसकी गति देखने के लिए, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन। टोटल ऐश, एसिड्स इनसोल्यूबल ऐश, एल्कोहल सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, एक्सेप्टिव पीएच, टोटल शुगर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलनी इसमें ऐड होनी चाहिए। टेस्ट पैरामीटर के अंदर इंक्लूड किया गया, बाकी जैसे कि टेस्ट ऑफ हैवी मेटल, पेस्टिसाइड, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फॉर स्पेसिफिक पैथोजन, एफ्लाटॉक्सिन, ये शेल लाइफ, ये सब लगभग करके सेम है जो प्रीवियस उनमें भी दे गए थे भस्म को छोड़कर। अब हम बात करेंगे सिरप की, जिसको शरबत भी बोला जाता है। तो इसमें 17 पैरामीटर दिए गए हैं आपको, डिस्क्रिप्शन, कलर, ऑर्डर, टेस्ट और विस्कोसिटी आपको बतानी है। मैं पहले ही विस्कोसिटी के बारे में बता चुका हूँ, पीएच कितना है, टोटल सॉलिड कितना है सिरप के अंदर, जो इवेपोरेट करने के बाद किसी सिरप को इवेपोरेट करेंगे, सॉल्वेंट या वाटर से इवेपोरेट हो जाए तो कितना सॉलिड है। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में इंफॉर्मेशन, टोटल शुगर के बारे में इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी की इंफॉर्मेशन की जानकारी, बाकी टीएलसी, एचपीटीएलसी पैरामीटर, हैवी मेटल टेस्टिंग, पेस्टिसाइड, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, स्पेसिफिक पैथोजन इंफॉर्मेशन, एफ्लाटॉक्सिन और शेल लाइफ, ये इसके अंदर सेम है। विस्कोसिटी, टोटल सॉलिड रिड्यूसिंग और टोटल शुगर, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसके अंदर से दिए गए। अगर हम बात करें मेडिकेटेड ऑयल एंड द और घी की, आयुर्वेद के अंदर मेडिकेटेड ऑयल और घी का काफ़ी वर्णन किया गया है आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर, तो इन्होंने इसके लिए 25 पैरामीटर दिए, काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर दिए। देखें, डिस्क्रिप्शन, कलर, ऑर्डर, एंसिडिटी, एंसिडिटी, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच वैल्यू और पीएच वैल्यू के बाद लॉस ऑन ड्राइंग, कंगीलिंग पॉइंट, कंजीलिंग पॉइंट, कंजीलिंग पॉइंट के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, आयोडीन वैल्यू, ये एक अलग वैल्यू, सेफोनिफिकेशन वैल्यू, अनसेफोनिफिएबल मैटर, एसिड वैल्यू, परोक्साइड वैल्यू, फ्री फैटी एसिड इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, टोटल फैटी मैटर इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, मिनरल ऑयल टेस्ट इट शुड बी नेगेटिव, मींस इसमें कोई सा भी मिनरल ऑयल नहीं होना चाहिए। जो आजकल जितने भी हर्बल ऑयल्स जो टीवी के अंदर ऐड होते हैं उसमें ज़्यादातर में मिनरल ऑयल ऐड किया जाता है। अब हम जैसे प्रीवियस रेंसिडिटी के बारे में बताया था, तो रेंसिडिटी का मतलब है कि दिस इज द कंप्लीट और इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर, लाइट, मॉइस्चर एंड द बैक्टीरियल एक्टिविटी। मीन्स ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके बारे में हमें जो भी फैट और ऑयल इसके अंदर प्रेजेंट है उसका कंप्लीट या इनकम्प्लीट जो हाइड्रोलिसिस हाइड्रोक्सीडेशन है, जैसे ही वो किसी एयर मॉइस्चर बैक्टीरिया के गंध में आते उसके बारे में जानकारी देना।
अगर हम बात करें कंजीलिंग पॉइंट, तो कंजीलिंग पॉइंट जो है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पॉइंट के ऊपर मिक्सचर ऑफ लिक्विड फेस ऑफ ए सब्सटेंस एंड ए स्मॉल बट इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ द सॉलिड फेस रहते हैं, एक साथ रहते हैं, मीन्स जो लिक्विड है एज वेल एज द सॉलिड वो एक साथ उस टेम्परेचर के ऊपर रहते हैं, तो इसको इन्होंने कहा है कंजीलिंग पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। जिससे कहते हैं कि बर्फ, कोल्ड वाटर से बर्फ बनना, तो एक तरफ बर्फ बन रहा है एक तरफ कोल्ड वाटर, तो इसके बीच को जिसको टेम्परेचर है द टेम्परेचर स्पेसिफिक पॉइंट्स, तो इसको स्पेसिफिकली एक टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर को इन्होंने पॉइंट के रूप में इंडिकेट किया कि दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट रहती है, एक तो सॉलिड फ्यूज फॉर्म के अंदर और एक लिक्विड फेज, दोनों फेज इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आएगी हमारी, अगर हम देखें तो इसके बाद आ जाता है हमारा परोक्साइड वैल्यू। एक इन्होंने दिया था कि आयोडीन वैल्यू, जिसमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है कि उसके अंदर अनसेचुरेशन कितना है फैटी एसिड का, तो फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होते हैं। सैचुरेशन को हम कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड, और अनसेचुरेशन मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो आयोडीन वैल्यू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में प्राप्त करने का एक माध्यम है, और इसका स्पेसिफिक टेस्ट दिए जाते हैं। सफोनिफिकेशन वैल्यू भी सेम है, जो अनसपोनिगल वैल्यू को दी जाती है। पेस्टिसाइड रेजिड्यू, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, स्पेसिफिक पैथोजन और एफ्लाटॉक्सिन शैल, बाकी सब पैरामीटर पहले से दिए गए। इसमें जो अलग दिया गया है वो एसिड वैल्यू, परोक्साइड वैल्यू, फ्री फैटी एसिड, टोटल फैटी एसिड और मिनरल ऑयल टेस्ट इवन दो, एंड कंजीलिंग पॉइंट एज वेल एज द रेंसिडिटी इंफॉर्मेशन इसमें एडिशनली दी गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टैबलेट, जिसको पिल्स भी बोला जाता है, जिसको वटी भी, गुटिका भी बोला जाता है। तो इसके अंदर 24 पैरामीटर दिए, इसमें शेल लाइफ शायद नहीं मेंशन की गई अभी, चलो देखते हैं। तो इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन, कलर, टेस्ट, ऑर्डर, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टराइजेशन, 5% एक्वस एक्सट्रैक्ट का पीएच कितना है, टीएलसी वैल्यू, लॉस ऑन ड्राइंग मीन्स मॉइस्चर कंटेंट्स, एक इसमें दिया गया फ्री अवेलेबिलिटी कितनी है और हार्डनेस कितनी है, और वेट की यूनिफॉर्मिटी कितनी है, मतलब एक टैबलेट निकली उसके बाद दूसरी तीसरी, तो लगभग करके सारों का वेट एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समानता में आना चाहिए, ऐसे नहीं किसी का कुछ ज़्यादा किसी का कुछ कम, तो इसके बारे में भी जानकारी। डिसइंटीग्रेशन टाइम मींस नॉट मोर देन 35 मिनट, गुगलू को छोड़कर इसका डिसइंटीग्रेट टाइम कितना है, उसकी टोटल ऐश, एसिड इनसोल्यूबल ऐश, एसिड एज वेल एज द वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट, टोटल शुगर अगर उसमें ऐड की गई है, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की वैल्यू अगर उसमें जोड़ी गई है, ऐसे जो भी मेजर इंग्रेडिएंट की एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है अगर उसका डाटा उपलब्ध है तो उसको, मतलब उसको ऐसे किया जा सकता है, अवेलेबिलिटी है तो उसका इंफॉर्मेशन, उसकी वैल्यू, हैवी ऑब्लिक टॉक्सिक मेटल टेस्ट, पेस्टिसाइड रेजिड्यू, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, स्पेसिफिक पैथोजन टेस्ट, एफ्लाटॉक्सिन की वैल्यू, ये सब इसमें दी गई है। वर्ती और नेत्रावर्ती, इसके लिए भी 24 पैरामीटर दिए गए, आप इसमें देख सकते हैं माइक्रोस्कोपी, इसमें 5% एक्वस सॉल्यूशन का पीएच चेक करना है, एडिशनली इसमें फ्रेबिलिटी टेस्ट देखना है, इसमें हार्डनेस चेक करनी है कि हार्डनेस कितनी है, इसके एक स्पेसिफिक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद जो फ्री अवेबिलिटी टेस्ट है, ये चेक क्या क्या करता है कि ये टैबलेट या जो कुछ भी बने उसकी ड्यूरेबिलिटी को चेक करता है, मींस इसके अंदर क्या करता है, इसको ड्रॉपिंग ए सैंपल ऑफ द टैबलेट ओवर ए फिक्स टाइम यूजिंग ए रोटेटिंग व्हील विद द बैफल, उसके ऊपर इसको रखते हैं और उसकी फ्री अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि कितने समय बाद
ये जो है इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो इसके अंदर कंप्रेस्ड और अनकोटेड भी या कोटेड मटेरियल है, तो वो कितने समय बाद जो फ्रेबल हो जाते हैं। तो इनको कहना चाहिए कि एक इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि अगर कोई टैबलेट है जिसका यूनिट मास 650 mg है, ठीक है, तो टेकिंग सैंपल, तो इसका जो भी टैबलेट का यूनिट मास होगा उसके बारे में मतलब लगभग करके अगर आप, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, जो फ्रेबेबिलिटी के माध्यम से केवल हम यही चेक कर सकते हैं कि वो फ्रेबल कितनी है। फ्रेबल कितनी है, एक मशीन है जिसके अंदर एक रोटर लगी हुई है, उसके अंदर टैबलेट्स या जो विवर्तीन को डाला जाता है, उसके बाद वो शेक मतलब घूमना चालू करती है, और घूमने चालू करने के बाद इसमें से कुछ मटेरियल झड़ना चालू हो जाता है पाउडर फॉर्म के अंदर, तो उसका एक एक परसेंटेज है, तो उसके चेक करते हैं कि कितने समय के अंदर ये कितना एक लिमिटेड टाइम के अंदर, ये ट्रांजिट के टाइम के अंदर ये अपनी वैल्यू वो शो करती है। और उसके बाद क्या करते हैं कि पहले उसका वेट ले लेते हैं, उसके बाद एक निश्चित समय के लिए उसको मशीन में चलाते हैं, फिर उसका वेट ले लेते हो, तो वेट कंपैरिजन के बेस में हम आइडिया लगाते हैं कि उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो एक इंडियन फार्माकोपिया के अंदर दी गई है कि अगर जो 80 mg या उससे कम है तो उसके अंदर जो वेरिएशन होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग करके प्लस माइनस 10%। तो ये हो गया हार्डनेस के अंदर, हम उसकी हार्डनेस वैल्यू प्राप्त करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आता है छोटा सा हार्डनर टेस्टर, तो ये लेबोरेटरी टेक्निक्स है, उसके थ्रू हम उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और उसका ब्रेकिंग पॉइंट पता करते हैं कि मतलब मशीन उस छोटे से स्क्रू के साथ उसके अंदर को डालते हैं, फिक्स करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कितनी मतलब स्क्रू या वो टच करने पॉइंट को ज़्यादा कसने पर वो टैबलेट टूट जाती है, उसके ब्रेकिंग पॉइंट को ही उसका इंटीग्रिटी पॉइंट मानकर हम ये वैल्यू चेक करते हैं। उसके बाद टोटल एश बाकी सब वैल्यू इसके अंदर लगभग करके जो पैरामीटर्स हैं वो प्रीवियसली दिए गए वो सारे सेम है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा सपोस्टेरिस, इसके अंदर हमारे पास 20 पैरामीटर बताए गए हैं, डेंसिटी, कलर, मेल्टिंग रेंज, ये मेल्टिंग रेंज कितनी कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, वेट कितना है, उसका ml में कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, आयोडीन वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू, अनसेपोनिफिकेबल मैटर्स, उसके बाद 5% एक्वस सॉल्यूशन का pH, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, फ्री फैटी एसिड परसेंटेज, टोटल फैटी मैटर परसेंटेज, ल्यूक्विफिकेशन ऑब्लिक सॉफ्टनिंग टाइम कितना है, मतलब कितने समय में वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये सॉफ्टन हो रहा है, माइक्रोबियल पेस्टिसिडल टेस्ट, और एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंटेंट्स, और एक डिसोल्यूशन टेस्ट इसके अंदर प्रमुखता के साथ दिए गए हैं बाकी अन्य टेस्टों के साथ। तो ये हमारी यूनिट 9 थी जो अब पूरी तरह से कंप्लीट